तो एक मरतबा फिर से मैं आप दोस्तों को वेलकम करता हूं चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अरशद शरीफ की ज़िंदगी के हवाले से अहम मालूमात जानेंगे। पहले जानते हैं एक छोटा सा क्लिप। अभी लगा है कि इतनी मुश्किलात है, मत दर्ज किए जा रहे हैं कि पीछे हट जाऊँ, ये मेरी जंग थोड़ी है, सारे पाकिस्तान की जंग है, मैं क्यों मुश्किलात फेस करूँ या मैं क्यों इतने दबाव में रहूँ। देखिए, ये परचम की जो सबसे लाली परचम की में जितनी लाली है, अगर वो सारे हमारे शहीद ये सोचते कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्यों अपनी जान इस मुल्क के लिए दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ख़ानदान का, तो फिर पाकिस्तान आज जिस तरह महफूज है, बचा हुआ है, जो लोग तरक्की और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, और उसमें किसी की जान भी चली जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आने वाली जनरेशन है उनकी बेहतरी के लिए आपको काम करना होता है, डराने धमकाने से, जिस ये तो कुछ भी नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जो आपके सर पे गोली बंदूक रख दी जाए, ऐसे हालात में आप किडनैप भी होते रहे, गोलियां भी आप पे चलती रही हैं, आप वो लग जाते हैं जिस दिन आपका आखिरी दिन है, कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते।